नमस्कार दोस्तों, आर्यन खान और समीर वानखेड़े के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। जैसे आपको पता है कि मुंबई पुलिस की एक SIT टीम अब इस मामले में जांच कर रही है और अभी उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बुला के पूछताछ करना शुरू कर दिया है और जितने सारे लोगों से मुंबई पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है उनकी जो बयान है वो भी दर्ज करवा रही है। शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी को भी SIT टीम ने बुलाया था, लेकिन पहली बार बुलाने के बाद पूजा ददलानी ने ये बहाना दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद आज भी पूजा ददलानी को बुलाया गया, लेकिन पूजा ददलानी ने फिर से बोल दिया कि मुंबई पुलिस के पास नहीं जा पाएगी, रीज़न उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो इसके बाद अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि अभी मुंबई पुलिस की SIT टीम पूजा ददलानी को तीसरी बार बुलाने वाली है और अगर इस बार पूजा ददलानी नहीं जाती है तो इनके खिलाफ हो सकता है कि मुंबई पुलिस एक्शन ले, क्योंकि इतनी बार बुलाने के बाद पूजा ददलानी जा नहीं पा रही है और वो कुछ ठोस रीज़न भी मुंबई पुलिस के सामने नहीं दे पा रही है। वहाँ पे बात करें आर्यन खान के बारे में, तो आर्यन खान का केस जैसे आपको पता है कि आर्यन खान बेल पे है, तो बहुत जल्द आर्यन खान जेल भी जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे एविडेंसेस भी है। एक सेक्शन ऐसा है जो ये प्रूफ करने में लगा है कि आर्यन खान की जो गिरफ्तारी है वो गैरकानूनी थी, जिसके कारण आर्यन खान और उनके जो दोस्त है अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा, उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था वो सरासर गलत है। इसी बात पे बहुत सारे SRK के जो पेड मीडिया ग्रुप्स हैं ये लोग आके बात कर रहे हैं, लेकिन एक और नैरेटिव ये भी है कि आर्यन खान के पास से समीर वानखेड़े की टीम यानी NCB को काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई थी जिसके आधार पे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। तो ये बातों पे तो अभी बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है, लेकिन टाइम के साथ साथ पता चलेगा कि अभी क्या होने वाला है। दोस्तों, आज एक बहुत दुखद भरी घटना हमें सुनने को मिली है। मामला ये था कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के कुछ रिलेटिव्स एक कार दुर्घटना में मारे गए हैं। ये वाकया बिहार के लखीसराय इलाका में हुआ था, जहाँ पे एक सूमो गाड़ी एक बहुत बड़ी ट्रक के साथ टकरा जाती है और उस एक्सीडेंट में 6 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 6 के 6 लोग सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार थे। इसके अलावा 4 लोगों को बहुत ज़्यादा इंजरी होती है और वो लोग अभी अस्पताल में जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डिसगस्टिंग और हैरान कर देने वाली जो बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत सारी जगह पे ये देखा जा रहा है कि लोग आके ये बोल रहे हैं कि सुशांत के जो रिलेटिव्स मारे गए हैं उनको मारा गया है, ये मर्डर है। मतलब सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और काफ़ी सारे लोग तो अभी आके ये भी बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने ब्लैक मैजिक किया है, काला जादू किया है, जिसके वजह से सुशांत सिंह राजपूत के रिलेटिव्स मारे गए हैं। तो ये जो भद्दा मजाक है ये वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों का ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस्ड है। वही लोग अभी आके आर्यन खान को सपोर्ट करते हैं। यही लोग आके जब आर्यन खान रिहाई मिलती है उसको, उसके बाद इस चीज़ का सेलिब्रेशन करते हैं मन्नत में जाके। तो ये जो सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में जो लोग नहीं हैं, ये सारे लोग एक एंटी लॉबी बना के और पेड पीआर के आधार पे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ा रहे हैं उनके साथ खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो जाए तो फिर हंसने लायक भी कोई बचेगा नहीं। मैं आशा करता हूँ कि इस वक्त ये कठिन स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के जितने सारे लोग हैं वो लोग अभी सेफ रहेंगे और उनको और भी ज़्यादा हौसला मिले। यही मैं आशा करता हूँ, यही कामना करता हूँ। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत, दिशा एंड सिद्धार्थ।